हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड साक्षी दंजल और मैं हूँ आज गोविंद के साथ। गोविंद से मैं कभी ऐसा मिली नहीं थी, बट इंस्टाग्राम में मेरा ये यूज्ड टू बी लाइक हम दोनों एक दूसरे को कम से कम एक साल से फॉलो कर रहे हैं। सो यू नो इसको मेरा कंटेंट और मुझे इसका कंटेंट कुछ खास पसंद है। ऐसा है ऐसा है। सो यू नो ये भी ट्रैवल करता है बट बहुत कम। वैसे तो ही इज़ अ फैशन ब्लॉगर मोर ओवर। सो आज हम जा रहे हैं नई जगह। पहले ही तुम सरप्राइज का मतलब सत्यानाश मार दो, मतलब सबको बता दो। सब अब हम तुंगनाथ अभी थोड़े जा रहे हैं। हम तुंगनाथ मतलब गाइस हम पहुंच चुके हैं नमस्ते बिडवे पे। एंड यहाँ पे पता है इतना रश है ना, इतने लोग हैं। मतलब मैंने इतना रश ना कभी इतने दो साल में, मतलब मैं नमस्ते बिडवे बहुत रेगुलर आई हूँ ट्रैवल करते हुए, बट मैंने इतना 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 ज्यादा रश नहीं देखा। तुम एक काम करो, तुम कुल्लड़ तक पहुंचो, मैं यहाँ पे मैं वो पिक कर आ रही हूँ। तुम हरिद्वार एंटर करते हुए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहाड़ी चढ़ चुके हैं। एंड यू नो व्हाट की फॉर्चुनर ज्यादा थोड़ा देर तेज चला लो। यू नो व्हाट कितना भीड़ है इस वक्त, क्योंकि जो भी पीछे वाला रास्ता है ना, इट गोज टू बंक्स सीधा ऋषिकेश। एंड पता है फ्रंट रास्ता तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं ऋषिकेश वालों ने बंद सा कर दिया, कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पर डाइवर्ट हो गई हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ डाइवर्ट हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है सभी के सभी मुझे चौपटा ही चल रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। भाई ऐसा है, मेरा फैन ज़्यादा इंक्रीज हो गया फैन ड्रम। अच्छा वो तभी तो मैं सुट्टा पूछ रहा था भाई। ऐसे बंदर पूछ सुट्टा पूछ रहा था भाई, सुट्टा है। चलो जल्दी पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन। शकल पे लिखा तुम्हारे। सो गाइस हम आ चुके हैं मैरिन राइड वाली रोड पे। पता है ये ऋषिकेश से आती है पूरी रोड। एंड मतलब ये कितनी सही रोड होती है, सेक्सी भाई, बिल्कुल सेक्सी रोड है। पार्वजनिक चैनल है मेरा, तो प्यार हो गया इस रोड से। हाँ ये बेटर है, ये पार्वजनिक चैनल है मेरा। घर वाले प्लीज आप जनिक बातें ना किया। यस एग्जैक्टली। सो पता है राइट साइड मेरे डैम है, तो दिस इज नोन एज अ मैरिन ड्राइव आल्सो, क्योंकि शाम को यहाँ पे मतलब अभी पूरा राइट साइड मेरा व्यू आएगा गंगा नदी का। सो आई विल शो यू वहाँ से। गाइस मेरे राइट साइड पूरा गंगा है। एंड पता है पहले यहाँ बसेस नहीं आती थी, बट अब यहाँ पे बसेस भी आना स्टार्ट हो चुकी है। बाय गॉड। गाइस पता है जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी ना, दो साल पहले पापा की इंस्टा लेके आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर अक्टूबर 2020 का टाइम था। मैंने जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी एंड मैं जस्ट पापा की इंस्टा लेके आई थी। हाई पीक था कोविड का। एंड यू वॉन्ट बिलीव द सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरे को कभी पहाड़ों पे गाड़ी चलाई नहीं थी, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ जब इंस्टा चला रही थी ना, तो मैं बार बार गाड़ी की ब्रेक्स मार रही थी, बार बार ऐसे मोड़ते हुए ब्रेक, ऐसे मोड़ते हुए ब्रेक। ओ माई गॉड, और मेरी गाड़ी अकेली, और आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ऑन पहाड़। पापा ने भी बोल दिया तू चला लेगी, ले जा बेटा। Now the things are completely different. You know, if you'll watch my first vlog of my life, na, जो कि portrait mode में पड़ा हुआ है guys, तो you won't believe कि तुम लोग हंसोगे। तो guys हम रुके हैं ढाबा कुछ खाने, because we are hungry, और दोपहर के बज रहे हैं दो। फिलहाल हमारा रास्ता और 5 घंटे का, विच मीन्स 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और ऊपर से बहुत गर्मी है। हम गाड़ी को भी ब्रेक की नीटती है ना कार। सो दैट्स फॉर द लंच, चावल, प्याज, चटनी चटनी तो उसके अंदर ही है, एंड द दाल फ्राई। तुम डिश कैसा है? घी है, मक्खन है, तेल है, तेल है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हम लोकल फूड खा रहे हैं, मत मिक्स कर। हाउ इज इट? So guys, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त देवप्रयाग। देवप्रयाग पर संगम होता है दो नदियों का। एंड यू नो पुराने व्लॉग्स में मैंने कई बार शेयर करा कि किन दो नदियों का संगम शेयर हो, मतलब किन दो नदियों का संगम होता है। सो दैट इज कमिंग लाइक फ्रॉम महासर यहाँ से। चलो मैं ये बता देती हूँ, अलकनंदा और गोदावरी का होता है, मगर अलकनंदा कौन सी और गोदावरी कौन सी है मुझे फटाफट से नहीं है, मुझे मैं बता देती हूँ तुम्हें।
मैं बता रही हूँ, रुक जा। पर तुम मुझे बताओ कि अलकनंदा कौन सी है, गोदावरी कौन सी है। देखो ये डार्क ग्रीन है, वो थोड़ा सा ग्रीनिश और वो है, तो कमेंट करके बताओ अगर गाइस आपको पता है तो। फिर ये गंगास बनती है, सो गाइस पता है अभी भी हमारा सफ़र बहुत बाकी है, और पता है 5 बज चुके हैं और 2 घंटे का रास्ता कभी भी कहीं नहीं गया। मतलब मैं थक चुकी हूँ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, पता नहीं कौन कौन से प्रयाग क्रॉस हो चुके हैं, एंड आई एम प्रिटी एग्जॉस्टेड। और अभी सीरियसली रास्ता बाकी है, एंड मतलब पता है इस रास्ते में ना कहीं कहीं पर इतने खड्डे हैं ना, ये वही रास्ता है जहाँ पे बेसिकली जब बारिश आती है ना तो ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बट यू नो उत्तराखंड की गवर्नमेंट अपने टूरिज्म को प्रॉपर रखने के लिए रास्ता हमेशा मेंटेन रखती है। सो गाइस पता है मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे साथ कोई ऐसा पार्टनर हो जो मुझे बाइक पे घुमाए, फिर मुझे याद आता है मेरी बैकबोन टूट जाएगी। मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ, उसमें बैकबोन टूट जाती है, मगर ये इतनी नहीं टूटती दुखी। आई डोंट थिंक सो वो दुखी होगा, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं यार, मुझसे कोई दुख। सुबह से 6 बजे से बैठा हूं मैं गाड़ी में भाई, तो तुम दुखी हो चुके हो मेरे साथ, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, रिट्टी लिया ऐसा कुछ नहीं गाइस। अब अच्छा अभी थोड़ी देर पहले गाने गा रहा था, तुम दीवाना बन के तेरे लिए, अब एकदम से पलट गया कैमरा ऑन होते ही। कोई बात नहीं है, लड़के ऐसे ही होते हैं, मुझे लगा लड़कियां ऐसे होती है, पर लड़के ऐसे होते हैं गाइस। तो गाइस चेक करो यार व्यू, ये रास्ता है और रास्ता सिर्फ सिंगल लाइन रोड का है, जो मेरा 1 घंटे का रास्ता बचा है, मगर रास्ता देखो पूरा कितना सही रास्ता है। सो मैं आपको बता ही देती हूँ मैं किस तरफ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बर्ड सॉन्ग एंड बियॉन्ड, दैट्स एक्चुअली अ फुटेज। सो गाइस अंधेरे में अपनी प्रॉपर्टी पहुँचते हुए, मेरा फ़ोन अभी भी हीट मोड पर है, सो सीधा रूम ही दिखाती हूँ आप लोगों को। रूम दिखाने वाली है आज कमला दीदी, कमला दीदी हमारे साथ हैं, तो मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट करी, कमला दीदी अब हमें रूम दिखा सकते हो। अच्छा दिस इज द रूम दीदी, इधर रहेंगे कि इधर? अच्छा अच्छा ये वाला दिखाओ, कोई भी दिखा दो। और ऊपर ये है, अच्छा दूसरी ले जरा दी, वो ये वाला, ये सामने वाला ऊपर, ये वाला दे दो, कोई बात नहीं, ऊपर भी देख लें, ऊपर सुबह कवर करेंगे भैया, ये वाला ही दे दो आज रात को, ये बहुत सही है। दिस इज द रूम गाइस एंड दिस इज व्हाट आई प्लान टू स्टे, ये शीशे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली यू नो माय फ्रेंड विल स्टे इन दैट वन, सो दिस इज अ वेरी बिग, अभी ऊपर भी रूम्स हैं, सो लुक एट दिस, इज ब्यूटीफुल राइट। सो दी ऊपर भी रूम है, चलो 2 सेकंड ऊपर, दिस इज अनदर रूम गाइस, ये ऊपर की तरफ वाला रूम है, सो यहाँ पर ट्विन बेड सेट है दीदी, मतलब सब में बाथरूम और टॉयलेट है दीदी, और इसके साथ गाइस बालकनी भी है। सो मुझे लगता है मैं सुबह आपको ये सारी जगह दिखाऊंगी, और भैया खोल रहे हैं, भैया नाम क्या है आपका? मेरा रमेश। रमेश जी थैंक यू, एंड यू नो दिस इज द व्यू। ये कौन सी जगह भैया? ये गुनियाला पोखरी बोलते हैं, पोखरी नागनाथ पोखरी गुनियाला, नागनाथ पोखरी गुनियाला, अच्छा नाम है इस जगह का, नाम गुनियाला है, गुनियाला। तो गाइस मैं सुबह आपको ये दिखाती हूँ। सो गाइस दैट्स फॉर द डिनर, दैट इज राजमा, वी हैव दिस सैलेड एज वेल, एंड हेयर वी गो वी हैव दी आलू की सब्जी बीन्स के साथ, एंड वी हैव दी चपाती, सो चपाती तो बहुत सारी है, मैं तो एक ही खाती हूँ, सो आई एम गोना हैव इट, आई एम गोना सी यू टुमारो फॉर श्योर, एंड आई शो यू दिस प्लेस ऑल्सो, दिस प्लेस इज इन, दिस प्लेस इज अमेजिंग, सी यू टुमारो, बाय।